हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडरा। एंड सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करना होता है। उसमें न्यू पे जाइए, एम्प्टी फाइल, ठीक है। तो ये आपको एक नया फाइल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब क्या है कि फॉन्ट साइज यदि आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो सेटिंग पे जाओ, एडिटर पे जाओ, उसके बाद आपको चूज पे जाना है। यहां से आप कोई भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 24 में रखता हूँ। कुरियर न्यू, ये डिफॉल्ट मेरा फॉन्ट रहेगा। ओके किया, ओके किया। जब आप एक नया फाइल क्रिएट करते हो तो उसको सेव ही करना होता है, तो कंट्रोल एस किया, एक आप फोल्डर बना लो, ठीक है। उसी फोल्डर पे सारा फाइल आपको सेव करना है। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज नाम का एक फोल्डर बनाया इसके अंदर के। अब यहां पे आपको क्या करना है, सारा फाइल रखना है। तो इस फाइल का नाम हेलो मैंने लिखा, डॉट सी इसका एक्सटेंशन होता है, ये आप जरूर देना, ठीक है। फाइल नेम कुछ भी देना लेकिन डॉट सी इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हैश। हैश क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करने में हेल्प करता है। तो हेडर फाइल्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, जो कि आपको अलग से फीचर्स, अलग से डेटा प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने प्रोग्राम पे यूज करते हो। तो हैश एक हेडर हैश होता है, स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। तो फिलहाल के हम यही यूज करेंगे। एक हैश इंक्लूड कोनो डॉट एच भी होता है, जो पहले यूज करते थे हम लोग टर्बो से या टर्बो सी प्लस प्लस पे, बट अब उतना यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडियो डॉट एच ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। तो उसके बाद क्या लिखते हैं? इंट रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सिंटेक्स समझ लो, ठीक है। इंट मेन मेथड एक देना होता है। मेन मेथड देने के बाद आपको जो भी प्रिंट कराना है उसके लिए प्रिंट एफ लिखना होता है, और डबल कोट्स, प्रिंट एफ के बाद डबल कोट्स में कुछ भी लिख लो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और साथ ही सेमी कोलन से ये टर्मिनेट होता है, सेमी कोलन जरूर दे। इसको सेव किया। यहां पे प्रिंट एफ जो है वो स्टूडियो डॉट एच प्रोवाइड करता है, इसीलिए हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी होता है। अब इसको क्या करना है? कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे देखिए एक आपको आइकन बना हुआ है, बिल्ड एंड रन। तो इसको आपको क्लिक करना है, कीबोर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय, हैप्पी लर्निंग।